हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में मिलने वाला एक डिजिटल कैमरे की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस डिजिटल कैमरा को खरीद भी सकते हो। तो बॉक्स के इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके ढेर सारे फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि इसके अंदर वीडियो कैप्चर कर सकते हो, फोटो कैप्चर कर सकते हो, कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसके अंदर जो फाइल्स है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, इसके अंदर आप चाहे तो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। इस तरफ दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पर ये दो कलर्स में अवेलेबल है, एक है सयान एक है पिंक। मेरे पास जो मैंने मंगवाया है वो सयान कलर का कैमरा है। इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं तो सैमसंग का मोबाइल यूज करता हूँ। आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो मुझे नीचे कमेंट करके फटाफट से जल्दी बता देना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और हमारे कैमरा को पूरी तरीके से टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या ये कैमरा आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो इस कवर के अंदर है हमारा कैमरा, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ जल्दी से। ये रहा गाइस हमारा कैमरा, और यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पर एक कैरी पाउच मिलता है और पूरी तरीके से वेलवेट का बना हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके अंदर मिलती है हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक USB केबल कैमरे को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पर एक टैग भी मिला है हमारे कैमरे को लगाने के लिए, ताकि हमारा कैमरा जो है हमारे हाथ में से फिसले नहीं। और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं कैमरा को डेकोरेट करने के लिए, और यहाँ पर कुछ है यार ये भी देख लेते हैं, तो भाई ये भी कुछ स्टिकर है हमारे कैमरा को डेकोरेट वगैरह करने के लिए। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को मैं रखता हूँ साइड में, आपको फटाफट से दिखाता हूँ कैमरे के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस टेबल पर और भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी, तो ये क्या चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा मेरा एक और चैनल है चटपट गैजेट्स टीवी के नाम से, उस चैनल पर मैंने परसों ये वाले गैजेट की वीडियो डाली थी। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, अब देख रहे हो पीछे स्पीकर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें बस अपना मोबाइल यहाँ पर डालना होता है, और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है पूरी तरीके से टीवी के अंदर भी आप इसे चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया लगा था मेरे को, और इसकी वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर चटपट गैजेट्स टीवी पर ये वीडियो भी देख सकते हो। और इसका प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ है गाइस। यहाँ पर एक और चीज़ है मेरे पास, ये एक SJ कैम का फन कैम है। बहुत दिन पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ये कैमरा भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इसे मैंने तकरीबन 1000 रुपीज़ में ख़रीदा था अमेजोन से। ये भी कैमरा जो है मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस कैमरा को ख़रीदा भी था। तो इसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो इस कैमरा को ख़रीद भी सकते हो या फिर इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हो। तो भी चलते हैं हमारे ये वाले कैमरे की तरफ। मैंने शायद इसे 3 या 4 दिन पहले ख़रीदा था अमेजोन से। तो इसके ऊपर जो टेक्सचर है काफ़ी स्मूथ टेक्सचर दिया हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई रबर वगैरह पकड़ रखा है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है ऊपर। मैंने जो स्टिकर्स बताए थे आपको बॉक्स के अंदर, वो स्टिकर्स हमें यहाँ पर लगाने होते हैं इस कैमरा को डेकोरेट करने के लिए। ओवरऑल इसका जो कलर है और इसका जो लुक है काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। यहाँ पर इसका स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर माइक्रोफोन है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। इसके अंदर मैंने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं डालते हो तो ये काम भी नहीं करेगा। तो चलो इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी 2.4 इंच की कलर डिस्प्ले दी हुई है, और यहाँ पर इसे ऑपरेट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं। ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको इन बटन्स को यूज़ करके ही इस कैमरा को चलाना होता है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है हमें। तो चलो अभी इसे पावर ऑन कर लेते हैं, यहाँ से इसे ऑन करना होता है। तो हमारा कैमरा जो है ऑन हो चुका है दोस्तों। तो इसके अंदर जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप कैमरा यूज़ कर सकते हो। ऑन करके भी दिखा देता हूँ, तो ये इसका कैमरा जो है ऑन हो चुका है। यहीं से आप फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो इस तरह से। और भी बता देता हूँ मैं आपको, तो देख रहे हो गाइस ये सारे सैम्पल्स जो है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। फ़िलहाल इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस।
तो हमने देख लिया इसके अंदर कैमरा जो था वो देख लिया हमने। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर है वीडियो, यहाँ से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। इसे भी मैं चला के बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देख रहे हो रेड मार्क दिखा रहा है, यानी कि अभी ये रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक ठाक सी क्वालिटी नज़र आ रही है, पर इसके अंदर कितने मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर आप चाहे तो आपकी ऑडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर है सेटिंग्स और यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह भी दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं गाइस एक बार कौन से गेम्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एक स्नेक की गेम है, ये गेम का नाम है पुश द बॉक्स, और पता नहीं ये गेम का तो नाम ही नहीं लिखा है यार। और यहाँ पे एक एरोप्लेन की गेम है। तो इसके अंदर टोटल 4 से 5 गेम्स देखने को मिलती है, ये कुछ अलग गेम है। तो टोटल 5 गेम्स देखने को मिलती है हमें इसके अंदर। तो चलो अभी चलते हैं बैक। बैक यहाँ पर हमें गैलरी देखने को मिलती है, जो भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं या फिर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किए हैं इसके अंदर आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हो। तो देख रहे हो ये फ़ोटोज़ मैंने ली थी, ये रहे फ़ोटोज़ वीडियोज़। अभी ये एक फ़ोटो मैंने अभी खींची थी, ये भी। तो चलो दोस्तों अभी मैं बाहर जाकर थोड़ी बहुत इसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और थोड़ी बहुत फोटोज़ वगैरह भी लूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इस कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इंडोर के अंदर। तो ये जो टॉय गन आप देख रहे हो मैंने कल मेरे चैनल पर डाली थी, इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो यार जाकर ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं पूरी तरीके से घर के अंदर हूँ, घर के अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कैमरा को यूज़ करके। तो आउटडोर में देख रहे हो इस तरह की फुटेज हमें देखने को मिलती है और ब्राइटनेस जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। दोस्तों ये जो कैमरा है आउटडोर से ज़्यादा इंडोर में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। फोटो सैंपल्स भी ठीक ठाक से ही लगे मुझे, उतने भी बुरे नहीं हैं। वीडियो का सैंपल भी इंडोर के अंदर काफ़ी अच्छा लगा, पर आउटडोर में हम इसे जैसे ही लेके जाते हैं थोड़ी सी धूप वगैरह होती है तो वहाँ पर पिक्चर या फिर वीडियो जो भी हो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है। अगर धूप कम होगी तो वहाँ पर वीडियो ठीक ठाक सा ही रिकॉर्ड कर लेता है। तो ओवरऑल काफ़ी कम प्राइस में ये कैमरा मिल रहा था इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा है। इसके अंदर और भी कुछ फीचर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो कैमरा के अंदर हम इसके जैसे ही आते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हम लोग फिल्टर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसको मैं यहाँ पर रख के बता देता हूँ। तो ये फिल्टर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो इन फिल्टर्स को यूज़ करके आप तरह तरह के फ़ोटोज़ खींच सकते हो। बहुत सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल कम प्राइस में अगर आपको एक कैमरा वगैरह ख़रीदना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरे को पर्सनली ये जो कैमरा है ठीक ठाक सा ही लगा। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है सुखविंदर, कौशिक, आदर्श, नितेश नायक, रानव दास, कृष्णा कुमार, रवि राज, शैलेश, हर्ष, नकुल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।